फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहासे के काले दाग धब्बों को दूर करने का एक बहुत ही आसान सा नुस्खा। दोस्तों, इस नुस्खे की मदद से आप अपने चेहरे की हर तरह के दाग धब्बे को रिमूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे चैनल पर काफी सारे कमेंट्स आती हैं कि मुहासे होने के बाद जो काले दाग धब्बे रह जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ उसकी मदद से आप अपने मुहासे के, पिंपल्स, एक्ने के जितने भी काले दाग धब्बे होते हैं उनको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है ये आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो लाने में भी हेल्प करेगा और ये सनटैन को रिमूव करने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये नुस्खा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए डेली ब्यूटी टिप्स को और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए पटेटो यानी कि आलू और आपको चाहिए हनी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इस आलू को छीलकर इसे कद्दूकस कर लें और फिर इसके बाद इसे छलनी की मदद से इसका जूस निकाल लें। फिर फ्रेंड्स, इसमें इस जूस में आप ऐड कीजिए लगभग एक चम्मच हनी यानी कि शहद। फ्रेंड, ये शहद है ये बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। ये आपकी स्किन को जो लार्ज पोर्स है उनको टाइट करके आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा और आपके फेस पर अगर एक्ने और पिंपल्स के बैक्टीरिया हैं तो उनको जड़ से रिमूव करके उन्हें पिंपल्स और एक्ने को दूर करने में भी हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, इसमें हमने जो पटेटो लिया है, पटेटो आपके स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो डार्क हो जाती है तो ये उसको होने से रोकता है और आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो भी लाता है। और फ्रेंड्स, आलू में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के काले दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। आप इस उपाय को रात को सोने से पहले कीजिए और इस पेस्ट को लगभग आप कॉटन की मदद से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने फेस पर लगा छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धोकर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप मॉइस्चराइजर अप्लाई ना करें तो भी चलेगा क्योंकि इसमें हमने हनी लिया है वो एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस उपाय को डेली रात को सोने से पहले कीजिए तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और इस उपाय को आप रेगुलर लगभग 2 वीक तक कीजिए तो आप देखोगे कि आपके चेहरे पर जितने भी मुहासे के काले दाग धब्बे हैं या फिर जो आपके फेस पर टैन की वजह से आपका फेस काफी ब्लैक हो गया है तो ये उसको रिमूव करके आपकी स्किन को नेचुरली लाइट एंड व्हाइट बनाने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले हर एक नए वीडियो आप तक पहुंच सके और सब्सक्राइब के बगल में जो रिंग बटन है उस पर क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई होम रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।